सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल टेक्नोरोहित को सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को इजीली देख पाएंगे। आपका फ़ोन फटने वाला है। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपका फ़ोन सच में फटने वाला है अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं देते हैं तो। क्योंकि यार आजकल ऐसा हो गया है ना कि हर एक दिन के बाद हमें यह सुनने को मिलता है कि भाई ये फ़ोन फट गया, इस कंपनी का फ़ोन फट गया। तो आप अपने फ़ोन को कैसे बचा सकते हैं कि भाई हमारा फ़ोन भी ना फटे? क्योंकि अभी अभी जो रिसेंटली में रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है, उसमें बताया जा रहा है कि Xiaomi का Mi A1 वो फट गया है। पहले तो चाइना में फटा हुआ था, फट गया था, अब इंडिया में भी किसी एक जो व्यक्ति है उसका ये स्मार्टफोन फट गया है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या आपको अपने स्मार्टफोन के साथ नहीं करना चाहिए जिससे आपका स्मार्टफोन ना फटे। जी हाँ, मैं आप लोगों को कुछ अच्छे टिप्स बताने वाला हूँ जिसके कारण आपका स्मार्टफोन नहीं फटेगा। सबसे पहले रिसेंटली जो रिपोर्ट निकल के सामने आई है उसी को देख लेते हैं। तो बताया जा रहा है कि एक जो जिसका फ़ोन फटा वो अपने फ़ोन को चार्जर में लगा के पबजी खेल रहा था। तो जैसे कि मेरे पास भी स्मार्टफोन है, तो जब आप अपने फ़ोन को या पूरा अगर देखिए, सच बोलता हूँ, अगर आप अपने फ़ोन को चार्ज में लगाए हुए हैं तो अगर आपको कोई काम नहीं है ना तो उस फ़ोन को चार्ज में छोड़ ही दीजिए। क्योंकि उस टाइम फ़ोन हीट हो जाता है, क्योंकि चार्जर चार्ज देता है तो बैटरी गर्म होता है और फ़ोन हीट होता है। चाहे वो कोई भी स्मार्टफोन क्यों ना हो, चार्ज करते समय फ़ोन हीट होता ही है। और उस टाइम वो चार्जर मतलब चार्ज लगा के पबजी खेल रहा था, तो वो तो होगा ही कि गर्म होगा फ़ोन। और अब ये कन्फर्म नहीं कि वो कौन सा चार्जर यूज़ कर रहा था। थर्ड पार्टी चार्जर होने से गलत बात है कि थर्ड पार्टी चार्जर से आपको चार्ज नहीं करना चाहिए। और रही बात, आप जब भी अपने स्मार्टफोन को चार्ज में लगाइएगा तो बैक कवर है ना वो हटा दीजिएगा, क्योंकि बैक कवर हटाने से ना टेम्परेचर मेंटेन होगा और वो प्लास्टिक का बैक कवर लगाते हैं तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता है, तो इसके कारण फ़ोन और ज़्यादा ओवरहीट हो जाता है। तो इसलिए अगर आप फ़ोन को चार्ज में लगाते हैं, चलिए आप चार्ज में आके गेम खेलना ही है आपको, तो एटलीस्ट आप अपने फ़ोन का बैक कवर को निकाल दीजिए, उससे अच्छा होगा ताकि टेम्परेचर ना मेंटेन हो सके। और अगर आप थर्ड पार्टी चार्जर यूज़ करते हैं तो फिर आपको मैं क्या बोल सकता हूँ। बहुत को ये भी कहते हैं कि भाई मेरा पास सैमसंग का फ़ोन है, मैं Xiaomi के चार्जर से यूज़ करता हूँ, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। देखिए वो सर्टिफाइड चार्जर होते हैं। मैं अगर आप लोगों को बोलूँ तो मेरे पास ये सैमसंग का J7 Prime है और Redmi का Note 5 Pro है, तो मैं Redmi का Note 5 Pro के चार्जर से ही अपने इस फ़ोन को चार्ज कर लेता हूँ। क्योंकि यार देखिए Xiaomi का भी जो चार्जर है, एडेप्टर है, वो भी सर्टिफाइड चार्जर है, उनकी तरफ से काफ़ी अच्छा चार्जर है वो, और सैमसंग का भी वो सर्टिफाइड चार्जर होता ही है। तो कंपनी को छोड़ के जैसे कि आप पकड़ लीजिए मार्केट से जाके 60-70-80 रुपए में जो चार्जर खरीद के ले आते हैं, उस चार्जर से आपको चार्ज नहीं करना चाहिए। कभी कभी अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो आप कभी अपने फ़ोन को पकड़ लीजिए थर्ड पार्टी चार्जर से चार्ज कर रहे हैं, तब आप नोटिस कीजिएगा कि आपका फ़ोन का जो स्क्रीन है वो अपने अपने मतलब खुद ब खुद काम करने लगता है। तो ये होता है उसका जो चार्जर है ना वो सपोर्ट नहीं करता है आपके स्मार्टफोन को, या फिर आपका स्मार्टफोन उस चार्जर को सपोर्ट नहीं करता है। तो दूसरे कंपनी के स्मार्टफोन के चार्जर से चार्ज करना बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो चार्जर सर्टिफाइड होते हैं। लेकिन मार्केट से जाके आप कोई भी चार्जर उठा के ले आ के अपने फ़ोन को लगा के चार्ज कीजिएगा तो वो गलत बात है। आप कोई भी ऐसे थर्ड पार्टी चार्जर या फिर मार्केट से जाकर जो 50-60-70 रुपये में आप जो चार्जर लाते हैं उससे चार्ज मत कीजिएगा। जब भी आप उस फोन मतलब उस चार्जर से चार्ज कीजिएगा ना, तो आपका फ़ोन का स्क्रीन आप खुद ब खुद काम करने लगता है। तो ये भी होता है कि उसमें मतलब बैटरी को भी इफ़ेक्ट पड़ता है। बात करते हैं कि बहुत सारे लोग ऐप्स यूज़ करते हैं कि भाई ये है 5 मिनट में फुल चार्ज कर देगा, 10 मिनट में फुल चार्ज कर देगा, तो भाई ये सब मत करो, ये सब बस फेक ही होता है। क्या आपका हार्डवेयर सपोर्ट ही नहीं करेगा? चार्जर तो 5 वोल्ट का चार्जर है, तो ऐप डाउनलोड करके क्या फ़ायदा? क्योंकि फ़ोन का चार्जर ही तो मेन है, फ़ोन में भी तो सपोर्ट होना चाहिए कि हाँ भाई मैं फ़ोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता हूँ। ये 5 मिनट में फुल चार्ज, 10 मिनट में फुल चार्ज, ये सब टोटली फेक ऐप होते हैं, इसको ना ही यूज़ करो तो बेहतर है। बेकार का ऐप है, बल्कि आपका फ़ोन का जो बैटरी है ना वो ज़्यादा फास्ट ड्रेन कर चार्ज तो करता नहीं, बल्कि आपका फ़ोन का बैटरी और ज़्यादा फास्ट ड्रेन होने लगता है। तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा चार्ज करते समय। और बस यही कुछ टिप्स जो आप फॉलो कीजिएगा तो आपका बैटरी सेफ रहेगा, और कुछ है नहीं, बल्कि यही सब है। कुछ छोटी छोटी बातें ही बड़ी बात बन जाती है, तो यही बातों का आप ध्यान रखिएगा तो आपका फ़ोन का बैटरी हमेशा सेफ रहने वाला है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो की जानकारी पहुँच जाए, और वो लोग भी अगर फ़ोन को चार्ज में आके या फिर फ़ोन से बैटरी से थोड़ा डर रहे हैं तो ये वीडियो उनको पहुंचा दीजिएगा, ताकि देख पाए कि हाँ भाई ऐसा नहीं करना चाहिए हमें अपने स्मार्टफोन के साथ। तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।